कहता हूँ रे तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, जाए भगवान की बोले, सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय 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 श्री राधेश। आज हम और आप और इस सुभारती चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों का जो चैनल को देख रहे हैं उन सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद। और इस चैनल के माध्यम से हमारे श्री पंडित स्वर्गीय रामचंद्र जी शर्मा दाल मिल वाले उरई उत्तर प्रदेश झांसी, पत्नी स्वर्गीय श्री सावित्री देवी जो उनके सबसे छोटे पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाश चंद शर्मा, पत्नी श्रीमती मुनिया शर्मा स्थान उरई, उनके पुत्र अंकुर शर्मा और श्रेया शर्मा पुत्र अर्जब बिटिया अनन्या कामाख्या, पति संजीव कुमार शर्मा गया, बेटी राम्या और पुत्र ईशांत उर्फ शुभम शर्मा और श्री शुभम शर्मा की बुआ जी एवं फूफा जी डॉक्टर श्री जी एस भट्ट और प्रेमलता भट्ट एवं समस्त शर्मा परिवार का बहुत बहुत व्यासपीठ से स्वागत। अपने अपने स्थान से वो जहाँ बैठ के श्रवण कर रहे हैं वहाँ इस व्यासपीठ का बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी परिवार का एवं उनका प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री कैलाश चंद शर्मा जी की पत्नी श्रीमती मुनिया शर्मा और श्री राजकुमारी शर्मा इस समय जो भागवत का रसपान आनंद ले रही हैं, मानो जैसे भागवत का रसपान श्री सुखदेव जी के माध्यम से समस्त ऋषि ले रहे हैं, उसी की अनुभूति लेते हुए समस्त शर्मा परिवार
इस भागवत की अनुभूति एवं भागवत का रस पान कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ब्रजवासियों ने बड़े मन से श्री गोवर्धन जी के, गोवर्धनाथ भगवान की पूजा की। जब पूजा का ब्राह्म हुआ तो नारद जी उस पूजा का, श्री गोवर्धननाथ भगवान का प्रसाद लेकर इंद्र के पास गए। इंद्र ने प्रणाम किया, नारद जी ने कहा, और इंद्र आप पूजन में नहीं गए? कोई बात नहीं है, प्रसाद ले लीजिए। इंद्र को झटका लगा कि मुझको बिना बुलाए पूजा हो गई। इंद्र ने सोचा ना बेचारा, अपने अहंकार में कृष्ण को क्या क्या शब्द अपशब्द कह दिए और फिर भी क्रोध शांत ना हुआ, तो बादलों को आदेश दे दिया कि जाओ सारे ब्रज को डुबा दो। बादलों ने अपना विकराल रूप धारण किया, ब्रज के ऊपर उमड़ घुमड़ कर घेर ब्रज, उठी घटा घन घोर, चम चम चमके केजरी, ओहो के ब्रज के वो। इतने घनघोर बादल, अब ब्रजवासियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना। सभी ब्रजवासी घबराए। नंद बाबा जान गए कि मैंने इंद्र की पूजा नहीं की, ये लगता है उसी का फल है। सब ब्रजवासी नंद महल की ओर दौड़ने लगे, हाय क्या करें कहां जाएं। अपने अपने परिवार को लेके जब दौड़ने लगे तो नंद बाबा ने कहा, चिंता मत करो, सभी लोग इधर आओ। सभी ने विचार किया क्या करें क्या ना करें। ऐसा विचार करते करते मन में एक विचार आया कि लाला के कहने से पूजन किया था, ना हो लाला के पास ही चले, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। ब्रजवासी हाथ जोड़कर कहने लगे, लाज आपके हाथ में, लाला ब्रज को ले वो बचाए, जो उपाय कछु ना करो, पल में ब्रज बह जा, पल में ब्रज बह जा। लाला के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि मैंने आपके कहने से पूजन किया था लाला, क्या हाल हो रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जान बचाऊं, बच्चों की कैसे जान बचाऊं, ग्वाल बाल गैयों की कैसे जान बचाऊं। जब दर पे तुम्हां रे, जब दर पे तुम्हारे अधमो कठकाना है, जब दर पे तुम्हारे कठकाना है, जब दर पे तुम्हारे
कहां जाऊं तेरे चरण छोड़कर, मैं तो तेरी शरण में हूं। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। तारो छोड़ो के तो बैठे हैं, के तो बैठे हैं। दरबार से अब उठ कर हर गज नहीं जाना है। दरबार से अब उठ कर हर गज नहीं जाना है। दर्द तुम्हारे अदमों का ठिकाना है। जब दर्द तुम्हारे अदमों का ठिकाना है। निभने के नहीं मोहन जैसे जैसे बिन भावोगे तुमको ही निभाना है। जैसे बिन भावोगे तुमको Thank you.
राधे। द्रगबिंदु के सकल में कुछ ख्वाहिश इस दिल में, इस प्रकार जब ब्रजवासियों की पुकार सुने, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सब मेरे पास आओ। और जब वो सभी भगवान के पास पहुंचे, कहा चलो कल मैंने गिरिराज भगवान का पूजन किया था, उन्हीं के चरणों में चलते हैं, कुछ ना कुछ वो जरूर मेरे लिए करेंगे। और जब वहां पहुंचे और पहुंचते ही भगवान ने एक रूप गिरिराज का ले लिया, और स्वयं तो थे ही, और अपना जैसे ही हाथ श्री गोवर्धन जी की तली में प्रवेश किया और एक झटके से पर्वत को उठा लिया। बोलो श्री गोवर्धन भगवान की जय। और कह दिया आओ तुम सब लोग, इस श्री गोवर्धन भगवान ने मेरे लिए मानो छाता लगा दिया हो, सभी आ जाओ इसके नीचे। सभी आ गए। अब इंद्र ने देखा कि देखे नीचे सभी ब्रजवासी डूब गए होंगे। एक रूप गिरिराज को धरियो नंद किशोर, एक रूप से सात दिन धर लियो नख के ओर, सात रात और सात दिन बरसों मेघ अघाय, जैसे ताते तवे पर बूंद छन्न होए जा। जैसे कोई गर्म तवे पर एक पानी की बूंद गिरती है, पता नहीं चलता, ऐसे ही बादलों का पानी समझ में नहीं आया कहां है। मानो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र तैनात कर दिया हो और नागवसी की दीवाल बना दी हो, और मानो अगस्त ऋषि से कह दिया हो कि तुमने समुद्र का पानी पी पी के मीठे पानी की पुकार की थी, आओ ये मीठा पानी पी। और इस प्रकार सब ब्रजवासी श्री गोवर्धननाथ भगवान की शरण में आ गए। सभी ने अपनी अपनी लाठी का सहयोग लगाया,
यहां हमको संदेशा मिल रहा है करने कराने वाला हमारे ठाकुर जी हैं। कहने का मतलब धर्म कर्म करने वाला कोई भी हो उसका हमें सहयोग करना चाहिए। लाठी हमें सहयोग सिखाती है, जैसे ग्वाल वालों ने लाठी लगाई ऐसे हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और तीनों में अगर कुछ भी ना कर सकें तो सबसे बड़ा सहयोग है कि धर्म कर्म करने वाले की हमें टांग नहीं खींचनी चाहिए। टांग नहीं खींचनी चाहिए। और सभी ग्वाल वालों ने क्योंकि मित्र है भगवान के कहा यार लाला इतनी शक्ति कहां से आई है। तो लाला ने अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया, अपने ग्वाल वालों को श्रेय दे दिया। क्या कह दिया? कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपी करी सहाय श्री राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो ठाय। जय 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 श्री राधे। ये तो आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का बल है, आप लोगों की लाठी का सहयोग है और ये तो लाडली जू की कृपा है। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो, बादल बरस बरस गए हार। मां ने देखा तो मां का वात्सल भाव जब देखा इंद्र ने कि नीचे तो सभी ब्रजवासी डूब गए होंगे तो देखा तो क्या देखा कि हाँ वास्तविक में सभी ब्रजवासी डूबे हुए थे लेकिन इंद्र के बरसाए हुए पानी से नहीं भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे। इंद्र को बहुत दुख हुआ और इंद्र स्वर्ग से इंद्रावली गांव आया और वहां से अपने घुटनों के बल श्री गोवर्धन नाथ भगवान के शरण में आया। शरण में जब गिर पड़ा क्षमा करो अपराध हे जग करता आपकी लीला अगमो अघावे लीला अगमो अघावे। क्षमा करो प्रभु क्षमा करो मुझसे भूल हो गई मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा इंद्र तेरा कोई अपराध ही नहीं है मैं क्या तुझे क्षमा करूं। कहा मैंने इतना बड़ा अपराध किया ब्रजवासियों को डुबाने की कोशिश की। कहा नहीं हम उस अपराध को अपराध नहीं मानते हैं आपके बादल का पानी बरसाने से हमारे ब्रजवासी जो इधर उधर थे वो मेरे पास आ गए मेरे भक्तों को तुमने मेरे पास बुला दिया इसलिए मैं तुम्हें क्या क्षमा करूं तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं। भगवान ने बड़ी सहजता से इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र ने जो ऐरावत हाथी को लेकर आया था आकाश गंगा का जल से अभिषेक किया सुरभि माता के दूध से स्नान कराया फिर दंडवत परिक्रमा दी भगवान को प्रणाम करके चल दिए। सभी ब्रजवासी प्रसन्न हुए लेकिन जब माँ के पास माफी मांगने गया इंद्र तो माँ ने कहा मैं तो माफ नहीं करूंगी। बोले क्यों? माँ गलती हो
हो गई हमसे, मैं आपसे माफी मांगता हूं। कहा मैं दिन में 8 बार भोग लगाती थी, 7 दिन से मेरा लाला आपकी वजह से अपने नरम नरम हाथों की कलाइयों पर बोझ साधे हुए। कहा मैया जो होना था सो हो गया, मैं 8 बार के हिसाब से 7 दिन का भोग लगा देता हूं। इस प्रकार 56 भोग की परंपरा चली। सभी प्रसन्न हुए और सभी ने गिरिराज भगवान की स्तुति की। गिरिराज धरण हरे तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हरि
भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी राम की जय हो। प्रभु ने अपनी करुणा भरी निगाह से सभी का उद्धार किया और ही श्री गजाधरण भगवान श्री स्वर्गीय श्याम सुंदर पुकार जी गया वाले और उनकी पत्नी श्री जगरूपन देवी जी, पुत्र संजीव कुमार, पुत्र वधु कामाख्या और नातिन श्री रमन्या जी ने भी गिरिराज भगवान के विनम्र प्रार्थना करके गिरिराज भगवान का उन सभी ने भी आशीर्वाद पाया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान ने आगे कथा श्रवण कराई, वरुण भगवान की कथा। एकादश्याम निराहारा संभर्चर जनार्दनम स्नानम नन्दस्तु कालिंदादस्यायं जलामवसम। नंद बाबा एकादशी में विशेष निष्ठा रखते थे, विशेष निष्ठा रखते थे। एकादशी रखने के बाद व्रत का पारायण का समय कुछ कम समय का होगा। नंद बाबा समझ नहीं पाए और रात को यमुना नदी में स्नान करने चले गए। उधर वरुण देवताओं के पार्षदों ने अंदर ही अंदर नंद बाबा का पैर खींचकर वरुण लोक ले गए। स्नान के तीन समय हैं, 3:30 से 4:30 ऋषि स्नान, 4:30 से सुबह 5:30 मानव स्नान और 5:30 के बाद जो भी स्नान है वो राक्षस स्नान। काफी देर हुई, जब नंद बाबा गए तो वरुण देवता ने जब देखा तो अपने पार्षदों को डांटा, कहा तुम किसको पकड़ लेके आ गए, ये भगवान के पिता है। पार्षदों ने कहा प्रभु मैंने तो अपना धर्म का पालन किया, क्योंकि रात में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए और नदी का जल स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी सब देवी स्वरूपा है, स्त्री स्वरूपा है। अरे किसको पकड़ के लेके आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वरुण देवता ने भगवान के पिता नंद बाबा को बड़े आदर सहित बैठाया, स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया, लेकिन नजर कहां लगी, दरवाजे पर। क्यों लगी, कि भगवान भी ढूंढते ढूंढते अपने पिता को यहां आएंगे। मैया ने देखा कि अभी बाबा नहीं आए, लाला को जगाया, लाला तुम्हारे बाबा अभी नहीं आए, कहां गए अभी तक। भगवान ने ध्यान किया, कहा मैया चिंता मत करो बाबा की, वो बढ़िया दूध जलेबी पा रहे हैं। मैया ने कहा इतना तो सुबह वो खाते नहीं है, दूध जलेबी कहां से पाने लग गए। कहा यह मैया आप नहीं समझोगी, हम और दाऊ भैया जाते हैं उनको लेके आते हैं।
जब वहां गए तो क्या देखा कि वरुण देवता तो इंतजार में बैठे ही हुए थे, नंद बाबा को 10-5 बार प्रणाम, और जब लाला पहुंचे तो हजारों प्रणाम। नंद बाबा समझ नहीं पाए आखिरकार ये है कौन, मुझे 2-4 प्रणाम, मेरे पुत्र को इतना प्रणाम, समझ नहीं पाए। वरुण देवता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी क्या औकात कि जो आपके पिताजी को मैं पकड़ के रखूं, लेकिन आपके चरणों का दर्शन करने का मुझे लालच आ गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमसे प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने धर्म का पालन किया, और भगवान को सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो सिर्फ धर्म है। कहा हम तुम सब प्रसन्न हैं, धर्म का पालन किया, और इस प्रकार भगवान बोले वरुण देवता अब हमको जाना चाहिए, क्योंकि सभी गोकुलवासी बड़े चिंतित हैं, सभी बड़े चिंतित हैं। और जब चले तो वरुण देवता ने अपने जल के कपड़े दिए जिससे व्यक्ति गीला नहीं होता है। जब बाहर निकल के आए तो यमुना के किनारे मणियों की हीरा मोती माणिक की सीढ़ियां बनी हुई थी, चढ़ते हुए आए, ग्वाल बालों ने उन्हें घेर लिया, कहा भैया तुम पानी से आ रहे हो या कहां से आ रहे हो, शरीर बिल्कुल जैसा का तैसा सूखा। कुछ लाला की 2-4 ऐसी लीलाएं देखकर ग्वाल वाल बड़े चक्कर में पड़ गए, कह दिया मुझको बताओ आप कौन हैं। नंद बाबा से पूछा, नंद बाबा ने कहा भैया मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ पूछना हो अपने मित्र से पूछो, अपने मित्र से पूछो। अब भगवान के मित्रों ने नंद बाबा की फेंट छोड़कर किसकी फेंट पकड़ ली, लाला की, आप बताओ। जब बहुत कहा तो भगवान बोले मैं तुम्हारा मित्र हूं, सखा हूं। उन्होंने कहा नहीं आप भगवान हैं। लाला बोले अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा मित्र हूं, सखा हूं। तो सभी मित्र उनके हंसने लगे, बोले इसमें हंसने की बात क्या है कि आप अपने आप को भगवान बताते हो। तो भगवान कहते हैं तो मैं क्या बताऊं आपको, मित्र मानने को तैयार नहीं, भगवान मानने को तैयार नहीं। तब उनके मित्रों ने कहा कि हमें आप अपना वैभव दिखाएं, हमें आप अपना वैभव दिखाएं। भगवान बोले कोई बात नहीं, मित्र के लिए सब हाजिर है, मित्र के लिए सब हाजिर है। तुरंत गरुण जी को पुकारा, कहा मेरे मित्रों को मेरा वैभव दिखाओ, स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग सब दिखाओ, जहां जिसको जो पसंद आए वहां का राजा बना दो, सामने वाले को झाड़ू सदा दो। अब भगवान के मित्र काहे को दबने वाले, स्वर्ग लोक देखा, इंद्रलोक देखा, देखते देखते भगवान के जब धाम पहुंचे तो वहां भी उछल कूद लगा दी। वहां के जो अधिकारी होंगे उन्होंने कहा भाई आप कौन हैं, कहां से आए, इतना शोरगुल क्यों मचा रहे। अब ये भगवान के मित्र क्यों किसी से दबे, अब चूंकि वहां के भी अधिकारी तो उनकी तो कुछ सीमा होगी। कहा कौन सी मुक्ति लेके आए हो, क्रम मुक्ति सायुज मुक्ति कौन सी लेके आए हो इत्यादि, यहां शोर मत मचाओ। ये बात बुरी लग गई और गरुण देव से कहा कि हमको सीधा वृंदावन, सीधा गोकुल,
गरुण जी ने कहा मैं इन सबको समझा दूंगा, मैं इनको समझा दूंगा, ये वैभव ये लोग हजारों हजारों तपस्या करने के बाद नहीं मिलता है, आप चिंता मत करो। बोले कुछ भी नहीं, हमको यहां से जाना मतलब जाना। भगवान नीचे बंसी बजा रहे थे कदम के पेड़ के नीचे, आए भगवान के पास और सभी ग्वाल वाल चरणों पर गिर पड़े, कहा प्रभु हमें आपके वैभव ने, हमें आपके वैभव ने हमको आपसे दूर कर दिया, हमको आपसे दूर कर दिया, हमें ऐसा वैभव नहीं चाहिए जहां राधा की झंकार नहीं, आपके चरणारविंद की कोई खुशबू नहीं, हमें ऐसे वैभव को नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए, बस हमें एक ही चीज चाहिए, क्या, कि तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम लेपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लेपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लेपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लेपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम लेपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लेपट जाऊं रज बन के। I love you.
कली कमर में ध्यान, तेरे पतली कमर में श्याम लिपट जाओ पट बन के, तेरी पतली कमर के जाके, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के। बाल कृष्ण छवि मधुर कृष्ण छवि, 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 तेरे कर कमलन को ध्यान, तेरे कर कमलन को ध्यान फूट जाओ भट बन के, तेरे कर कमलन को ध्यान फूट जाओ भट बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे जाऊं रज। इस प्रकार जब ब्रजवासियों का प्रेम देखा तो भगवान ने भी कह दिया कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राणाधार, इन्हें कभू न बिसारी हो मोहे नंद बाबा किया, इन्हें कबू न बिसारी हो मोहे नंद बाबा किया। भगवान ने भी वचनबद्ध हो गए कि हम ब्रज में रहने वाले किसी भी ग्वाल बाल को हम कभी भी भुलाएंगे नहीं। आज भी जाएं आप तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। आज भी आप जाएं, और मैं तो कह रहा हूं कि प्रथम बार कोई भी जाए तो उसकी अनुभूति कन्फर्म होती है कि हमारा इस मथुरा मंडल में ब्रज मंडल में कोई मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा है। प्रेम भूमि है, उसका कुछ एक अपना अलग महत्व है। वहां कोई बूढ़ा नहीं है, बुजुर्ग के बुजुर्ग भी वहां ठुमका लगा लेता है। राधा रानी कितनी कृपा, राधा रानी प्रेम की मूर्ति है। प्रेम में अगर जो किसी का नाम लिया जाए तो राधा कृष्ण से ऊपर किसी का प्रेम नहीं है, जिस प्रेम में कोई वासना नहीं। वहां जाते हमारा मनोवृत्त, हमारी इंद्रियां जो मस्त हो जाती हैं, हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, हमारा मन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि मेरे मन को मोहन चाहिए,
हमने इतनी जगह उसको फंसा के रखा है कि मेरा मन नहीं समझ पा रहा है कि मैं हूं तो हूं किसका। रासलीला, रासलीला को मैंने एक नृत्य लीला समझ लिया है। ये रासलीला कोई नृत्य लीला नहीं है, हमने उसको मौज मस्ती में ले लिया। रासलीला कहते हैं जीव और ब्रह्म का मिलन। जीव और ब्रह्म के मिलन को रासलीला कहते हैं। ब्रह्म से जीव ऐसे ही नहीं मिल पाता, ना जाने कितने हजारों जन्म लेने पड़े, कैसे मन शुद्ध हो, कैसे आत्मा शुद्ध हो, कैसे चित्त शुद्ध हो, कैसे मेरे पाप पटे, तब कहीं जाके मन निर्मल होता है। रासलीला गोपी, गोपी को हमने स्त्री मान लिया। गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है, गोपी को मैंने स्त्री को उपाधि दे दी। गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है, भगवान का शरीर खून और हड्डियों मांस से नहीं बना हुआ है, भगवान का शरीर में आनंद भरा हुआ है। भगवान का शरीर आनंद से भरा हुआ है, इसलिए तो भगवान का नाम है आनंद। तो गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है, तो फिर गोपी कौन है? फिर गोपी कैसे कहते हैं? गो माने अंधकार और पी माने जो पी जाए, जो अंधकार को पी जाए वह गोपी है। जो अपनी वासनाओं को पी जाए वो गोपी है। जो अपने प्रेम को जागृत ना करे वो गोपी है। जो प्रेम को प्रकाश ना करे वो गोपी है। तो गोपी ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवान की कथा का रसवान करे वो गोपी है। हम कहां आके फंस गए कि भगवान तो गोपियों के साथ नाच रहा है। हम अन्य चीजों में अपने दिमाग को लगा देते हैं। कभी ये भी तो सोचो कि जिस समय भगवान ने रास किया था उस समय उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के बच्चे में क्या काम वासना आ सकती है क्या? लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो है कि सुनने वाले भी सुन लेते हैं। हम जब अपने इष्ट देव की बुराई सुन सकते हैं तो फिर हम क्या नहीं सुन सकते? आज भी देश में पता नहीं कौन कौन सी चालें चल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि सनातन धर्म की बुराई करो सुनने वाले ये परफेक्ट है, किसी और मजहब की आप बुराई करके देखने शायद आपकी गर्दन उड़ा दी जाए। हमारे सनातन में श्याम छाप पीढ़ी दुर्गा सु भंडार, हम अपने स्थितियों को कहां ले जा रहे हैं? क्या उन्हें हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं? कितना सम्मान दे रहे हैं? हमारा मन क्यों अशांत नहीं रहेगा कि हम अपने इष्ट देव और अपने पूर्वजों को भूल गए? आज हम पूज्य लोगों का अपमान कर रहे हैं, अपूज्य लोगों का सम्मान कर रहे हैं। कोई क्रिकेटर आ जाए हमको क्या दे जाएगा? कोई हीरो आ जाए हमको क्या दे जाएगा? क्या हम नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन कोई अच्छा संत आ जाए तो उसके लिए एक गिलास पानी नहीं है, उसके स्वागत के लिए 20 बार लोगों को कहना पड़ता है भैया चलो। और क्रिकेटर हीरो के लिए 42-45 टेम्परेचर में भी लोग खड़े रहेंगे। तो
तो हम कहां जा रहे हैं? पूज्य का अपमान, अपूज्य का सम्मान, उसके तीन ही परिणाम हैं, उसके तीन ही परिणाम हैं। या तो अकाल, दूसरा भय, हमेशा आपको भय की जिंदगी रहेगी, क्योंकि हम किसका सम्मान कर रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं, इस पे हमें विवेक से निर्णय लेना चाहिए। तो गोपी स्त्री न पुरुष है, गोपियां जो सेवा कर रही हैं अपने घर परिवार में, सब में भगवान की छवि देख रही हैं, पिता में भगवान की छवि, पुत्र में भगवान की छवि, पति में भगवान की छवि, गाय में भगवान की छवि, बछड़े में भगवान की छवि। अगर जो उनको अपने पुत्र में भगवान दिखता है तो पड़ोसी के भी पुत्र में भगवान दिखता है, क्यों ना भगवान मिलेंगे। हमारे अंदर ईर्ष्या भाव भरा रहता है। भगवान ने वचन दिया था कि हम आपको कार्तिक की पूर्णिमा को मिलेंगे। तो भगवान पिता रात्रि सरो फुल मल्लिका दीक्षम रंतु मनस्त चक्रे योग माया उपासता। भगवान का रात्रि, ये एक रात्रि नहीं है, कई रात्रियों को मिला के एक रात्रि बनी है। 33 करोड़ गोपियां हैं, लेकिन कटाक्ष करने वालों ने 18,000 गोपियां मानी है। इंतजार है कि मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया था, कब आएंगे, कब आएंगे। कब आएंगे? और इस प्रकार गोपियों की चाहत भगवान ने वृंदावन में रास रचाया, और जब बांसुरी बजाई तो उन्हीं को बांसुरी सुनाई दी जिनका भगवान से कनेक्शन जुड़ा था। जैसे सुभारती चैनल कथा चल रही है, ये उन्हीं को दिखाई दे रही है जिनका सुभारती चैनल खुला है। ऐसे गोपियों को भगवान की वंशी उन्हीं को सुनाई दी जिनका चित्त तो मन पवित्र हो गया था। ग्रहे ग्रहे गोपी बधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नमामि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जब भगवान ने बंसी बजाई तो सभी गोपियां अपने अपने घर से ऐसे दौड़ी कि मानो गाय का चारा ससुर के सामने रख दिया हो, ससुर की थाली गाय के सामने। हमारा कोई पुत्र भाई मित्र या अचानक सूचना मिल जाए कि वो आ रहे हैं, तो हम भी कभी कभी ऐसे भाग देते हैं कि अपनी शर्ट को उल्टी पहन लेते हैं, समझ में ही नहीं आता है। यहां तो परम पिता परमात्मा की बात है। सजे अनुपम सांझ सवरिया यमुना तट पर आए। शरद पूर्ण के रात्रि गगन पर चंदा भी मुस्काए। शरद पूर्ण की रात्रि गगन पर चंदा भी
सिकाए। मस्त चांदनी लिए शरद की, मस्त चांदनी लिए शरद की, सुंदर रजनी आई चंदा नाचे तारे नाचे नाच रही फुलवाई है, नाच रही फुलवाई। कुसुम कुसुम पर भंवरा नाचे, कुसुम कुसुम पर भंवरा नाचे, मधुबन मधुरे है छाई, झरे चंद्र से अमृत निर्जल, शीत मधुरता पाई। मानो चंद्रमा से अमृत झर रहा हो, चांदनी रात में बिकल भई ब्रज भोरी ललना, बिकल भई सब ब्रज भोरी ललना, निकसी सदने बिसारी। गोपियां ऐसे दौड़ रही हैं जैसे कि धरत कहूं पग परत कहूं पग, बोलत नहीं संभार। दौड़ रही है भगवान के दर्शन के लिए, कि आपस में बातचीत कुछ भी नहीं है। उलट पलट श्रृंगार बनायो, पैर की पायल गले में, गले की पायल पैर में, कहीं का कहीं श्रृंगार, आंख काजल ओठों में, ओठों की लाली आंखों में। अगर जो मैं इस तरह की अनुभूति नहीं हो रही, तो इसका मतलब मेरे अंदर भक्ति नहीं है। उलट पलट श्रृंगार किए, पगली भई बेचारी, कुएं में भांग गिरी गोकुल के, प्रेम की लीला न्यारी, प्रेम की लीला न्यारी। भगवान के साथ पास जब पहुंची गोपियां, तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम महाभागा, प्रियं किं करवामि, ब्रह्मायनामायं कचे भूतागमन कारणम्। जब गोपियां पहुंचे तो भगवान ने उनका स्वागत किया। आहो गोपियों, आपका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई, प्रभु ने मेरा स्वागत किया, अति प्रसन्न। और दूसरी लाइन में कमर तोड़ दी, यहां क्यों आई है, क्या कारण है? यहां से जाओ, तुम्हारे बच्चे जग जाएंगे, तुम्हारे पति जग जाएंगे, गांव मोहल्ला जग जाएगा, लोग क्या कहेंगे? पर पुरुष में तुम्हें इतनी आसक्ति, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम यहां से जाओ। गोपियां अपनी जगह से हिली नहीं। बहुत भगवान ने कहा, नरक का डर कराया कि तुमको नरक मिलेगा, तुम पतिव्रता गोपियों हो। इस समय रात में तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, जंगली जानवरों का डर करवाया, लेकिन गोपियां टस से मस्त नहीं हुई, मुख से गरम गरम श्वास, आंख से आंसू। कहा, प्रभु आप बार बार कहते हैं धर्मपति हो, धर्मपति हो, धर्म की परिभाषा क्या है? हम गांव की अनपढ़ गोपियां, मुझे नहीं मालूम कि धर्म किसे कहते हैं। कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं
कि मेरा पति शादी के बाद कहीं चला जाए तो हो सकता मैं उसकी फोटो की पूजा करूं और जब वो आ जाए तो फोटो तो छूटेगी, तो फोटो तो छूटेगी, तो ये मेरे जो पति हैं इनमें भी मैं दर्शन आपको ही करती हूं। काम धेनु गाय मिलने के बाद बकरी कौन पालेगा? ये नश्वर शरीर के जो मेरे पति बने हैं ये तो छूटेंगे ना एक दिन, लेकिन मेरा पति तो वो है अजर और अमर। पति का मतलब पति ये नहीं, पति का मतलब कि मेरे मन को पवित्र करके जिससे मुझे अनुभूति पल पल हो, कभी मेरा साथ छूटने वाला ना हो। कहा प्रभु आपकी कथा से हम रुके हुए हैं, कथा मेरा जीवन है, मेरे जीवन का सार कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादितम भूग्रंथित धरामृतम द्रामृतम ना भवति इति अद्रामृतम प्रेमामृत ज्ञानमृत। ये अपने आप में अलग नहीं है। कहा धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म कहते किसे है? भगवान ने कहा धर्म से पुण्य मिलता है, पुण्य से पाप जलते हैं, पाप से मन निर्मल होता है और मन निर्मल होने से प्रभु का मिलन होता है। गोपियों ने कहा तो प्रिय परिभाषा किसी और को बताएं, हमें जो मिलना था वो मिल गया। इतनी प्रक्रिया करने के बाद आप प्राप्त होंगे तो हम आपको क्यों छोड़ूं? भगवान ने कहा गोपी क्या चाहती है? ये जीव ब्रह्म मिलन है, गोपी को स्त्री पुरुष नहीं है, कपट है। भगवान ही जब कृपा करते हैं तब माया का पर्दा हटता है। और फिर क्या हुआ, भगवान ने अपनी बंसी बजाई, कहा देवियों क्या चाहती हो, क्या करो? भगवान ने बड़े प्रेम से बंसी बजाई, काना के बंसे बाजी रे यमुना के तेरे, काना के बंसे बाजी रे यमुना के तेरे, काना के बंसे बाजी रे यमुना के तेरे, काना के बंसे बाजी रे बजाए मेरा कृष्ण कन्हैया, बंसी बजाए मेरा कृष्ण कन्हैया, बंसी बजाए मेरा कृष्ण कन्हैया।
जीवन से बाजी रे यमुना के तीर, काना जीवन से बाजी रे यमुना के तीर, काना जीवन से बाजी रे यमुना के तीर। श्री राधे श्याम गोपियां भगवान के साथ मस्त होके प्रभु मिलन में मस्त हो गईं। भगवान ने देखा और देखते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए सभी गोपियां दुखी हुई। हे गोविंद सभी गोपियां रोने लगी। अभी तो यहां थे, कहां चले गए? अगर जो जाना ही था तो फिर मिले क्यों थे? गोपियां तड़पने लगी, हम अपने पुत्र को थोड़ा दो घंटे के लिए खो दें तो हमको तड़पन कैसी होती है? ये तो वही समझ सकता है जिसके अंदर मिलन का भाव पैदा हो। मैं ढूंढू फिर जग सारा, मैं ढूंढ फिर जग सारा, महे मिलन प्रीतम प्यारा, मैं ढूंढ फिर जग सारा, महे मिलन प्रीतम प्यारा, ओ महे मिलन प्रीतम प्यारा, मोहे मिलन प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, मैं कुंजन कुंजन भटकी, आए वृंदावन अटकी, मैं कुंजन कुंजन भटकी, आए वृंदावन अटकी, मैं कुंजन कुंजन भटकी, आए वृंदावन अटकी, मैं कुंजन भटकी, आए वृंदावन अटकी, हाय ढूंढा यमुना तट नारा, ढूंढा यमुना तट नारा, मोहे मिलन प्रीतम प्यारा, मैं कुंजन कुंजन भटकी, आए वृंदावन अटकी, मैं कुंजन कुंजन भटकी, आए वृंदावन अटकी, तेरी सूरत मन में बस गए, तेरी सूरत मन में बस गई, मोहे नागिनी बन कर डस गई, मोहे नागिनी बन कर डस गई, मोहे नागिनी बन कर डस गई, कहाँ छुपा कहाँ छुप गया नंद दुलारा, कहाँ छुप गया नंद दुलारा, म
मोहे मिला ना प्रेम प्यारा ओ कहे छुप गया आनंद दुलारा आए मिला ना प्रेम प्यारा है गोविंद जाना था तो आए क्यों मेरे जीवन में क्यों आया पहले मुख चंद्र दिखा करके पहले मुख चंद्र दिखा करके तेरे हायत योग दिखाया है क्यों चरणामृत स्वाद चखा करके फिर पित्त का प्याला पिलाया है क्यों 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 फिर एक ही बार हंसा करके एक ही बार हंसा करके फिर जीवन भर ये रुलाया है क्यों 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 जब मन में जब मन में मोह नहीं तेरे 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 मन मोहन नाम धराया है क्यों मन मोहन नाम धराया है क्यों गोपियों ने देखा कि भौरे गुनगुना रहे हैं भौरे से पूछती हैं गोपियां हे भौरे रुको 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 हे भौरे रुको भौरों ने कहा क्या है बोले तुमने ये हूं हूं करके जो धुन ली है मेरे कान्हा की बांसुरी की धुन आती है कहीं तुमने मेरे कान्हा को जरूर देखा है तभी ये तुम्हारे अंदर धुन आई है तभी तुम्हारे अंदर धुन आई है कोयल को देखा कोयल से पूछा अरे कोयल रुको तुम्हारे अंदर इतना अच्छा स्वर कहां से आया तुमने मेरे प्रभु को कहीं ना कहीं देखा है तभी स्वर आया कहने का तात्पर्य यहां गोपियों के भाव समझने वाली बात है उन्हें हर जगह सिर्फ प्रभु ही नजर आ रहे हैं हरे पेड़ पत्तों की डाली से पूछा अरे तुम्हारे अंदर यह हरा रंग कहां से आया निश्चित तुमने मेरे प्रभु के मोर पंख का रंग लिया है जिसको कल कल में भगवान के दर्शन हो वह गोपी फूल में दर्शन हो पीले पीले फूल से पूछ रही है ये तुम्हारे पास पीला कलर कहां से आया है तुमने मेरे प्रभु के जो पट ओढ़े रहते हैं पट्टा ओढ़े रहते हैं उससे रंग लिया है ये गोपियों का भाव है पत्ते में फूल में यमुना नदी से पूछा आप इतने शांत क्यों बह रही है कहा मैं भी दुखी हूं बोले नहीं आपके अंदर वो बैठा है शांत वही रह सकता जिसके अंदर वो बैठा होगा
भौरों की गुंजन सुन सुन कर, भौरों की गुंजन सुन सुन कर मोहे मुरली का भ्रम होता है। मीठे बोली सुन कोयल की, दिल तड़प तड़प कर रोता है, दिल तड़प तड़प कर रोता है, दिल तड़प तड़प कर रोता है, दिल तड़प तड़प कर रोता है। जावे गोविंद मुख सूख चला रोते रोते, गोविंद मेरा जीवन यही बीतेगा, मेरा जीवन यही बीतेगा, मेरी आंख का फल क्या है, क्या मैंने आके जिंदगी में पाया, खाए पिए मौज के चल दिए, जीवन का भाव क्या रहा। मुख सूख चला रोते रोते, मुख चला रोते रोते, फिर अमृत पान कराया तो क्या, जब डूब चुके भाव सागर में, मृग लोचन जब ये बंद हुए, अब निस चुर मुस्र गाया तो फिर क्या, मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, जब ही न रहा जग में, जब जीवन ही न रहा जग में, जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर दरस कराया तो क्या, 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 तब आके दरस ये तो क्या। सभी गोपियां जाती जाती आगे बढ़ जाती हैं तो आगे क्या देखती हैं, ये राधा घेरी बनी पड़ी हुई है, उन्हें लगा कि राधा जी कहीं साथ चले गए हैं, तो राधा जी बड़बड़ा रहे हैं, श्याम श्याम इतनी रात को अंधेरे कहां दौड़ रहे हो, कहां जा रहे हो, तुमको पानी कौन देगा, खाना कौन देगा। सभी गोपियों ने कहा राधा रानी से, पानी का छींटा दिया होश आई, कहा किसके लिए तड़प रही हो, मरने जैसी स्थिति कर गया तुम्हारी, उसके लिए तुम इतनी तड़प रही हो। राधा रानी ने हाथ रख दिया, कहा खामोश, जो कुछ बोल पाई उसके लिए, क्यों तेरी बेरुखी कसक बार करूं तो फायदा क्या, समझी हूं अब यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है, कहा मुझ में ही कुछ कमी है, तभी वो हमको छोड़कर चले गए, मेरे कोई प्यार में कमी है। और जब वहां देखा आगे चले तो भगवान के चरण चिन्ह मिले, एक गोपी अपना माथा रगड़ने लगी, दूसरी गोपी कहती है सखी यही तो जीने का सहारा है, उसको भी तू माथा रगड़ के चरण चिन्ह समाप्त कर देना चाहती है, बोले तो क्या करूं, बोले इसकी रक्षा करो, इनको ही देख देख के तो जीना है, देख देख के जी जी के गोपियां रो रही हैं,
और उन गोपियों ने आपस में क्या किया, कहा हम रोएंगे तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, क्योंकि जितना भक्त रोता है उसके डबल भगवान रोता है। तो उस रोने में जो उन्होंने गीत गाया है, जो रोई है, रो रो के जो शब्द बोले हैं, रो रो के जो शब्द बोले हैं गोपियों ने, तो इस तरह से रोई है कि हमारे प्रभु को यह पता ना चले कि मैं रो रही हूं। उस रोने को भी उन्होंने गीत बना लिया है, उस रोने को भी उन्होंने गीत बना लिया है, जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। भगवान को कहीं कष्ट ना हो मेरे रोने से। गोपी गीत ना आए तो कोई बात नहीं, भौरे की तरह हम करते रहे। जयति सेदकम जन्म ना ब्रजा श्रेय इंदिरा सस्वतत्र हे। जयति सेदकम जन्म ना ब्रज पंकजं शांतनं च ते रमणदर्शनं स्वादेहिना सुरत वरदनं शोकनाशनं
आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जे मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जे आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जे मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जे आओ श्याम जी लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल नैनों से दूर रहे हम वक्त के हाथों ऐसा जन हम वक्त के हाथों ऐसा जन लाचार रहे मजबूर रहे जाने रे कि अनजाने को हाय अनजाने रे कि अनजाने को ते बैठी नाम गई नाम गई ना वो आए नाम गई ना वो आए श्वासों की माला पे अब तो
सांसों की माला पे अब तो नाम सजन का है जपना। बरह की ज्योति जली अंदर में, बरह की ज्योति जली अंदर में, अब धीरे धीरे है सपना, धीरे धीरे है सपना, अब धीरे धीरे है सपना, धीरे धीरे है सपना। आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ शाम जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, 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 आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, बोलो श्री बाल भगवान की जय हो। अब वो प्रकट हो गए। अब एक एक गोपी, एक एक ग्वाला, और फिर जब भगवान प्रकट हो गए तो फिर रस बरस गया, फिर जीव और ब्रह्म का मिलन हो गया, और जब जीव ब्रह्म का मिलन हो गया तो फिर भगवान भी मस्त और गोपियां भी मस्त। जीव ब्रह्म का मिलन क्या है? किसी के भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया, किसी के सिर पर फूल रख दिया, किसी की थोड़ी सी थोड़ी पकड़ ली, यही तो रास है, यही तो अनुभूति है। वृंदावन मधुपुरी मधुरी मधुरी रसीली रात, बरसाना राधा मधुर मधुर राधा नंदगां, मधुर रसे बरस गया, बरस गया मधुबन में मधुर रस 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 बरस गया, बरस गया मधुबन में। रूप कुंज उजियारी राधा, रूप
जीवन पूरी की ब्रज रस की मोहन प्राणन प्यारी राधा मोहन प्राणन प्यारी राधा गोकुल में गोलोक पधारा गोकुल में गोलोक पधारा गोकुल में गोलोक पधारा गोकुल में गोलोक पधारा मन गया जी कण कण में मधुर रति बरस गया बरस गया मधुबन में मधुर रति बरस गया बरस गया मधुबन में मधुर मधुर कमाल कदम सुहानी मधुर कोकिला मधुर तराने मधुर कोकिला मधुर तराने मधुर समीर मधुर रज रज कड़े मधुर हृदय जा श्याम समाने मधुर हृदय जा श्याम समाने गोपेश्वर प्रभु पाल ब्रह्म में गोपेश्वर प्रभु पाल ब्रह्म में मधुमय कुंज लतन में मधुर रस गया मधुर रस बरस गया बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया बरस गया मधुबन में गोपिन की टोली गोपिन की टोली मधुर सैल गोपिन की टोली मधुर सैल गोपिन की टोली मधुर अटपटी मधुमय बोली मधुर अटपटे मधुमय बोली सावन मधुर बसंत मधुर रम सावन मधुर बसंत मधुर तम सावन मधुर बसंत मधुर फूले मधुर मधुर मय होली फूले मधुर मधुर मय होली नतनारी कजरारी अखिया कजरारी कजरारी अखिया नतनारी कजरारी अखिया नतनारी कजरारी अखिया उलझ गए अखियन में मधुर बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया मधुबन में श्री राधे देवकन्नर गंधर्व देवकन्नर गंधर्व यक्षगण बदू रही पछताए
शिव शंकर कैलाश छोड़ कर गोपी बन कर आए। अब इस रास में शंकर जी भी आ गए। शंकर बोले पार्वती से, अब यहां से समझ लेना चाहिए कि रासलीला कैसी है। जहां स्वयं शंकर जी आ गए कि जीव ब्रह्म का मिलन। शंकर बोले पार्वती से, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। शंकर बोले पार्वती से, मैं भी चलूंगा तेरे संग में है। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में है। पार्वती जी मैया बोले, क्या करोगे जाके वहां। बोले बाबा कहते, शंकर जी बोले कि मैं भी चलूंगा। बोले क्यों, कहा कि राधा संग श्याम नाचे तो मैं भी तो नाचूंगा। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। बोले फिर क्या होगा। बोले फिर क्या नहीं होगा। बोले धूम मचेगी, हाय धूम मचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारे रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो बोला भंडारे बन के ब्रज के नारे, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हरे, समाने भी पुरानी, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी बोली, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं, क्यों वहां स्त्री के अलावा कोई पुरुष होगा नहीं। पार्वती बोली शिव से, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। पार्वती बोले, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। कृष्ण के सिवा करेंगे ब्रज की नारे, मानो बात हमारी, रास में आ गए, रास में आ गए। तुम्हें आ गए,
बन कर के बदला काश में आ गए काश में आ गए श्री गणेश बजाई मुरली सुध बुद्ध भूले भोलनाथ जो ऐसी बजाई मुरली सुध बुद्ध भूले भोलनाथ क्या हुआ खुल गया जोड़ा खुल गया जोड़ा खुल गई साड़ी रहे त्रिपुरारी रात में आ गए रात में आ गए पार्वती जी मना के हर नामा के त्रिपुरारी रात में आ गए हैं रात में आ गए हैं एक दिन बाबोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में आ गए रात में आ गए वृंदावन में आनंद ही आनंद छा रहा है और कंस को भय लग रहा है। वृंदावन में आनंद बढ़ रहा है। कंस ने एक बैल को भेजा, बैल रूपी राक्षस आया, प्रभु ने उसका भी अंत किया और जब उसका अंत किया तो भगवान पर बैल हत्या का आरोप लग गया और सभी से जब पूछा गया कैसे उसका उद्धार हो कैसे इस पाप से मुक्ति हो तब श्री राधा रानी ने प्रार्थना की और श्री गोवर्धन नाथ भगवान के पास बैठकर श्री राधा रानी ने सभी तीर्थों का आह्वान किया। सभी तीर्थ मूर्तिमान रूप में आए और भगवान का स्नान किया। उस दुख से प्रभु मुक्त हुए। फिर कंस ने नरभक्षी घोड़ा भेजा। भगवान ने उस घोड़े को बड़ी चतुराई से जीव पकड़ ली और कहते हैं जीव पकड़ने से घोड़ा काबू हो जाता है। जीव का मतलब क्या, मैं ही घोड़ा हूं, मेरा शरीर ही घोड़े का रूप है। मैं अपनी जीव से कुछ गलत बोलता हूं तो अपनी जीव से भगवान ने जो जीव पकड़ी है तो उस जीव में भगवान का नाम आ जाए तो हम भी अपने जीवा से प्रभु का नाम लें और समस्त ईर्ष्या भाव अब शब्दों का प्रयोग बंद हो जाए। इधर नारद जी कंस के पास पहुंचे और पूछा कहो भाई कंस कुछ पता चला कृष्ण बलराम का। कंस ने कहा हां कुछ हमें लगता है
कि नंद बाबा के यहाँ जो है वही, बोले लगता नहीं, अपने विश्वास को यकीन में बदल दो, वही है। कंस ने तलवार खींची, कहा ये बसदेव जी ने मुझसे झूठ बोला, मैं जाके अभी उसका गला काट डालता हूं। नारद जी बोले तुझको अपनी मृत्यु प्यारी ना हो तो जल्दी जाओ, दुष्टों के दम तो ज्यादा होती नहीं। वहीं बैठ गया, कहा क्या करूं। नारद जी बोले ये आप जाने, और नारायण नारायण कहके नारद जी वहां से निकल गए। इधर कंस का पुरोहित उससे पूछा बचने का उपाय, तो कहा अपने भंडार ग्रह में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, आप वह धनुष यज्ञ करें, भगवान भोले बाबा ही अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं, लेकिन धनुष टूटना नहीं चाहिए। कंस ने यज्ञ की तैयारी की, धनुष को रखाया यज्ञ में। अब विचार किया कि कृष्ण बलराम को बुलाया कैसे जाए, कैसे बुलाया जाए। इतने में सामने से अक्रूर जी आ गए, अक्रूर जी को अपने पास बैठा ला। अक्रूर जी समझ गए कुछ दाल में काला है, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली है। कहा अक्रूर जी हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मैंने अपनी बहन को बहुत दुख दिए हैं, तो हम अपनी बहन देवकी को दोनों पुत्रों को मिलवा दें। अक्रूर जी समझ तो गए लेकिन कुछ कह नहीं पाए, कुछ उत्तर नहीं दिया। तो कंस ने कहा अक्रूर जी मेरी राज आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। अक्रूर जी वहां से चुपचाप चले गए। रात में अक्रूर जी को नींद नहीं आई, मन में विचार करते रहे क्या करूं क्या नहीं करूं, इस काम के लिए मुझे ही चुना गया, कौन से पाप किए थे जो मुझको ही लाने के लिए चुना गया। और अक्रूर जी के पास कंस ने अपना रथ भेज दिया। अक्रूर जी ने कहा कि क्या करूं, भगवान की प्रेरणा हुई रात में, और अक्रूर जी चल दिए यह सोच के कि लाला मुझको चाचा कहेंगे, लाला मुझको चाचा कहेंगे, काका कहके बुलाएंगे, पुकारेंगे, मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा, कहूंगा प्रभु नीच अधम कामी कुटिल जो हूं सो हुए तोर, निज चरणन में राखियो प्यारे नटवर नंद किशोर। चल दिए भगवान का ध्यान करते करते, मानो कह रहे हो कि प्यासा हिरण जैसे ढूंढ है जल को, ऐसे हरि में तुझे खोज रहा, ऐसे हरि में तुझे खोज रहा। अक्रूर जी जाते जाते हैं, जब पास में पहुंचते हैं गोकुल के पास, नंदगांव के पास, तो मानो भगवान ने अपने चरण चिन्ह दिखा दिए हों, और अक्रूर जी रथ से कूद कर उन चरण चिन्हों पर लोटपोट हो गए, मानो भगवान ने रास्ता दिखा दिया है कि आ जाओ काका आ जाओ। अक्रूर जी गए वहां, नंद बाबा से मिले, नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने कहा कृष्ण बलराम तुम्हारे काका ही हुए, जाओ तुम उनका स्वागत करो। दंडवत दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, और शायद कृष्ण ने अपने गौ माता से कह दिया कि हे गौ माता मैं कल से आपकी सेवा में शायद नहीं आ सकता। जब अक्रूर जी ने नंद बाबा को बताया सारा समाचार कि कंस ने बुलाया है, तो नंद बाबा खड़े हो गए, बोले अक्रूर जी तुम दोस्त या दुश्मन, मेरे कृष्ण के पीछे कितने कितने मारने को पाए किए, आप
उसी जगह उस कंस के पास ले जाने के लिए मुझसे बात करते हो? अक्रूर जी ने कहा, नंद राय जी, मैंने तो सिर्फ सुना है, मैंने तो सिर्फ सुना है, आपने तो साक्षात इनकी लीलाएं देखी हैं, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन नंद राय जी, आप नहीं भेजेंगे तो कंस के सिर पर मौत सवार है, शायद उसकी मौत ही इसको बुला रही है, मौत ही बुला रही है, और नहीं भेजोगे कि पता नहीं किस समय सेना को यहां भेज दे, और निर्देश लोगों को क्या हुआ, आप क्या हुआ है सब देख सकेंगे। नंद राय जी बोले, अक्रूर जी, मैं समझता हूं, उस बूढ़ी मां को हम इसको क्या समझाएंगे, क्या कहके भेजेंगे हम, कि जो व्यक्ति कृष्ण को मारने के लिए इतने राक्षसों को भेजता था, हम उसके घर में भेजते अपने बेटे को। अब मेरे पास शब्द नहीं है कि नंद बाबा ने यशोदा मैया को कैसे मनाया होगा, क्या कहा होगा, शायद कह बैठे होंगे कि एक दिन के लिए वहां जाएगा, जगह जगह के राजा आएंगे, राज नियम सीखेगा, कल को राजा भी तो बनना, शायद हर मां को अपने बेटे का राजा बनना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वो कह बैठे, वो एक दिन यशोदा मैया को बहुत भारी पड़ गया, कहा सुबह जल्दी निकल चलेंगे, नहीं तो सभी ब्रजवासी आ जाएंगे, फिर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। कैसे मैया को समझाया होगा, कैसे समझाया होगा, आज जब चलने हुए तो कान्हा स्वयं तैयार होने लगे, मां की आंख से आंसू निकाल आए, कान्हा मैं तुझे तैयार करती थी, मुझे अभी अपनी सेवा से वंचित कर दिया इतनी जल्दी। मैया दुखी होकर लाला को अपने हृदय से लगा लिया, लाला ने कहा, मैया कल से तो मुझको तैयार होना है, आज मैं इसलिए तैयार हुआ हूं, कुछ कमी रह जाए तो कम से कम आप बता देंगे। जब निकलने को हुए, नंद राय जी ने दरवाजा खोला तो वो तो ये समझते थे कोई होगा नहीं, और वहां तो ग्वाल वालों की भीड़ लगी थी, आवाज आई, गोविंद दामोदर, हे गोविंद, हे दामोदर मालवे तू, हे गोविंद मत जाओ, तुम मेरी गैया छोड़ देते थे, बछड़े को खोल देते थे, लगता है तुम मेरे कारण जा रहे हो, हम तुम्हारी शिकायत करते थे कि मेरे घर से आप दही मक्खन चुराते हैं, लगता है मेरे कारण मत जाओ गोविंद, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मैं काकु कहूं दुख भारी, मेरे जीवन ब्रज गिरिधारी, मथुरा आज चलो मेरो बारो, कोना ब्रज में हितु हमारो, आज मैं आज इस ब्रज में कौन है पल में भाई, हाय सब देख रहे नर नारी, मेरे ब्रज जीवन गिरधारी, मैं तो पल में भई भिकारी, मेरे टूटी लकड़ी प्यारी, बालों का रह गया प्यार तड़पता, रही धड़कती छाती, लो संभाल मेरे गोकुलवासी, अपना दर्द कराती। सभी गोकुलवासी हां स्तब्ध खड़े हो गए, मैया पीछे मुझे माखन लेके घूम रही है, लाला
माखन तो खा लो। लाला ने कहा, मैया मेरी गैया छूट रही है, मैया छूट रही है, आज के बाद हम माखन नहीं खाएंगे। मां बेहोश होने लगी। लाला ने तुरंत कूद कर अपने मां को संभाला और कहा बाबा से, बाबा आप मैया को संभालें। रथ पे बैठे तो आगे क्या देखते हैं कि राधा रानी बैठी हुई। सिथिल मई नस नस राधा की आशा उम्मीदों ने राखी, भैया अमावस पूनम बदले बुझ गए भाग्य की बाती, बुझ गए भाग्य की बाती। चल दिए ग्वाल वाले, वहां खड़े रह गए। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। जीवन धन राधा रानी की ओर देखा और कह दिया, राधा रानी मत जइयो मोहे भूल, फिर मिलेंगे आए। फिर मिलेंगे आए, फिर मिलेंगे आए। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल के करुण कहानी है। शंका हुई, भगवान ने अक्रूर जी को यमुना जल में स्नान कराकर अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। कहा चिंता मत करो, मैं दुनिया की चिंता करने वाला, तुम मेरी चिंता मत करो। मथुरा मंडल से मथुरा से कुछ दूरी पर रुक गए, ग्वाल वालों को पीछे आते हुए देखा, नंद बाबा को आते हुए देखा। धोबी से कपड़े मांगे, धोबी ने मना किया, भगवान ने धोबी का उद्धार किया। द्रोण दर्जी से सब ग्वाल वालों के कपड़े फिट करवाए। कपड़े पहनाने के बाद कुब्जा नाम की दासी से सभी का तिलक करवाया। सुदाम नाम के माले से सभी के गले में माला पहनवाई और यज्ञ में जाने के लिए दो फूल लिए। और वहां जहां पहुंचे यज्ञ हो रहा था, वहां भगवान ने कहा, भैया मैं पूजा करना चाहता, किसी ने रोका नहीं,
और जाके भगवान शिव के धनुष में फूल चढ़ाए। दोनों भाइयों ने वहां जाके शिव धनुष की पूजा की और धनुष को तोड़ दिया। अब तो वहां का माहौल बदल गया। पकड़ो पकड़ो, कौन कहां कैसे, पकड़ो पकड़ो। दोनों भाई वहां से आगे बढ़े। मेन दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था। भगवान ने उसके अपने हाथ से दांत उखाड़े, उसका अंत किया और उस मैदान में पहुंच गए जहां भगवान से युद्ध करवाना था चारू और मुस्तु। सभी वहां बैठे हुए, नंद बाबा भी बैठे हुए, उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि दोनों बच्चे आपके सामने हैं। लोगों ने कहा कि अन्याय है, कहां चालूर मुष्टिर और कहां ये छोटे छोटे बालक। लेकिन भगवान ने वहां सभी को जिसकी जैसी रही भावना, वहां प्रभु ने उनको वैसे दर्शन दिए और चारू मुष्टिर का भगवान ने अंत किया। कंस उठ के खड़ा हुआ, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं वहीं आया। बलराम का हाथ पकड़ा, बड़े भैया का हाथ पकड़ा, क्या छलांग लगाई, सीधा कंस के मंच पर पहुंच गया। मंच में पहुंचने के बाद कंस के बाल कसीद के जमीन पर पटका और कहा, ये दुष्ट, मेरे माता पिता को कष्ट देने वाले। कंस का भी अंत कर दिया। भगवान ने अपने माता पिता का बंधन खोला, उनके पास रहे। कंस के पिता उग्रसेन को राज्यपाट सौंपा, नंद बापा को वापस भेजा। नंद बाबा वापस आए। अब क्या स्थिति रही होगी, मैं बखाना नहीं कर सकता, कैसे मां को समझाऊंगा। कह जु गए परसों आवन को, आज भी कोई वृंदावन में कह देता है कि भैया कब आओगे, तो कोई बोले देता परसों, तो बोलते परसों मत बोलो। एक परसों का कह के गया, वर्षों बीत गए। और इसके बाद प्रभु उज्जैन गए संदीपन आश्रम में, वहां विद्या ली। अब विद्या क्या लेना था, एक गुरु परंपरा का भाव समझाना था, सिखाना था। शिक्षा लेके 64 दिन में वापस आए। गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को प्रभास क्षेत्र से, जो गुरु उनका चला गया था उसको वापस किया, संघ धारण किया, वहां राज सिंहासन आके संभाला। जरासंध से 17 बार युद्ध किया और अंत में जब कालियवन आया तो भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालियवन को भी समाप्त करवा दिया। उद्धव जी आए, बृहस्पति जी से पढ़के, स्वर्ग से पढ़के, शायद इसके अलावा कोई दूसरा पढ़के नहीं आया। उद्धव जी को अपनी शिक्षा का कुछ अहम था। कहा, प्रभु आप रोते रहते हो, क्यों रोते रहते हो। बोले, गोपियां उधर रोती हैं तो मैं उधर रोता हूं, क्या करूं, भक्त रोता है तो भगवान को रोता ही रहता है। कहा, मैं समझाया हूं, भगवान बोले ये काम आप कर दो तो बड़ी कृपा होगी। उद्धव जी समझाने जाते हैं, वो भी गोपियों को, शिक्षा का घमंड। कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को गोप ज्ञान तत्व समझाना। ब्रह की वेदना में सदा यू बेचैन रहती हैं, तड़प तड़प का आभर कर सदा यही कहती रहती हैं, क्या वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है।
वाले पीले पीले पट वाले नैना कचरावे हैं बोले प्यार प्यारे हैं वही मेरा श्याम है वही मेरा श्याम है वही मेरा श्याम है वही मेरा श्याम है कहाँ उदों ने हंस कर अभी जाता हूँ वृंदावन अभी जाता हूँ वृंदावन चला मैं भी तो देखूं कैसा है अनुराग का बंधन अनुराग का है बंधन वो कैसी गोपियां हैं जो जाने कब बताती हैं वो जाने कब बताती हैं रक्त के लोक लीला का वही गुण गान गाती है वही गुण गान गाती है वही मेरा श्याम है वही मेरा श्याम है वही मेरा श्याम है वही मेरा श्याम है चले मथुरा से ही कुछ दूर वृंदावन निकट आया वृंदावन निकट आया वही से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने शायद ये कांटों ने संदेशा दे दिया हो पृथ्वी वृक्ष झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ वृक्ष झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ पपीहा कह रहा था पी कहाँ ये भी तुम मुझको बताओ ये भी तो मुझे बताओ नदी की बताओ नदी यमुना की धारा से हरिहर को सुनाती थी हरिहर को सुनाती थी कमल गुंजार से बस यही आवाज आती थी यही आवाज आती थी क्या राधा रानी के पास तो क्या देखते हैं राधा रानी के पास उधर मोहन बने राधा राधा के जुदाई में राधा के जुदाई में इधर राधा बनी मोहन मोहन के जुदाई में ओ मोहन की जुदाई में मोहन की जुदाई में देख के प्रेम अद्भुत प्रेम अद्भुत तो उद्धव की खुली आंखें उद्धव की खुली आंखें पड़ी ज्ञान मद की धूल पड़ी ज्ञान मद की धूल तो ये खुल गई आंखें हुआ रोमांच आंखों से ये अश्रु यूं निकल आए अश्रु यूं निकल आए सिर रख कर श्री राधिका के पग में
सिर रख कर श्री राधिका के पग में। उद्धव जी कहते हैं क्या, कहा गुरु मंत्र आज पाए, कहा गुरु मंत्र आज पाए, कहा गुरु मंत्र आज पाए। अब उद्धव जी भी 6 महीने लौट के पुत्र रहे, मंजीरा बजाती हुआ है, क्या कह रहे हैं, वही मेरा श्याम है, वही मेरा वाले लट वाले पीले पीले पट वाले पीले पीले पट वाले नैना कजरा रे हैं, नैना कजरा रे हैं, बोले प्यार प्यारे हैं, बोले प्यार प्यारे हैं। उद्धव जी कैसी रही, समझाने गए थे गोपियों को। भगवान कहते हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तू भैया सबका बेड़ा पार है, क्योंकि राम ही केवल। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जब जरासंध के साथ युद्ध हुआ, काले वन का अंत हुआ, तो जरासंध का जो दत्तक पुत्र था शिशुपाल, उसका विवाह भीष्मक की पुत्री रुक्मणी और उसका भाई उससे करना चाहता था, लेकिन विवाह की पूरी तैयारी हो गई भगवान से बदला लेने के लिए। दोनों एक हो गए। रुक्मणी माता ने संदेश भेजा माली के द्वारा, सुदाम ब्राह्मण के द्वारा, कि जाओ इस संदेश लेके जाओ। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा था यह किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिसके पास संदेश लेके गए वो सब समझ गए, वो सब समझ गए। माली से कहा आराम कर लो। कहा प्रभु अब आराम की बात करते हो, अभी कुंदन पर बहुत दूर है। कहा आराम कर लो। वो भगवान ने कुछ विश्राम करवाया ब्राह्मण महोदय को और रथ लेके उनके साथ चल दिए। बलदेव भैया को नहीं बताया, कुछ देर बाद बलदेव भैया को पता चला तो वो भी पीछे पीछे। और यहां पूरी तैयारी थी। रुक्मणी कहा विवाह करने के शिशुपाल से। भीष्मक की पत्नी का नाम शुद्धमती था और भोले बाबा पार्वती की पूजा करने के लिए मां रुक्मणी जी जाती हैं। चारों तरफ सेनाएं लगी हुई हैं। भगवान आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बड़ी वीरता के साथ ले जाते हैं। लिखी पड़ी ये बात नहीं, ना सुना सुनी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीके पड़े बारात। फीकी पड़ी बात। और जब वहां पहुंचे शोर मच गया। क्या शोर मच गया? हरि मेरे लाए, शोर मच गया द्वारका जी में, शोर मच गया। हरि मेरे लाए रुक्मणी हरि के, 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 हरि मेरे लाए रुक्मणी हरि के। और जब ऐसा शोर मचा तो
तो बसदेव जी ने अंदर प्रवेश नहीं दिया, विध विधान से विवाह करवाया। तो आज किसकी शादी है, किसकी शादी है? मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है। लगता है ऐसे जैसे, लगता है ऐसे जैसे, लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो, हरि बोल, श्री राधे। मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है। लगता है ऐसे जैसे, लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शादी है। और क्या हुआ, भगवान की शादी में दो पार्ट हो गए, एक लड़की पक्ष का, मां के पक्ष का, मां रुक्मणी के पक्ष का, एक भगवान के पक्ष का। अब इसमें कौन कौन से लड़की पक्ष के हैं वो हाथ उठाएं, और कौन कौन से लड़के के पक्ष के हैं। सहनायों की सदा गूंज कह रही है, खुशी की मुबारक घड़िया आ गई है। सहनाइयों के सदा गूंज कह रही है, खुशी के मुबारक वो घड़ी आ गई है। चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया, खुशी खुशी क्यों खुशी ना होगी, इतने खुशी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लड़का पक्ष कौन है, लड़की पक्ष कौन है। और जब दरवाजे पर बारात पहुंची तो लड़की पक्ष के लोग क्या कहते हैं, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
लगता है लगता दिल्ली का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ दुल्हन का चेहरा दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता और है। और इस प्रकार सभी शादियों में मस्त, सभी लोग शादी में मस्त, दूल्हे दुल्हन सजी सुर्ख जोड़े में, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे पलटते परिया रही है, जमी पे पलटते परी आ रही है, जमी पे पलटते परी आ रही है। ते कुछ नहीं ये भाका जब रोगी लग जाता है, मैं हूँ प्रेम रोगी, जब रोकिए लग जाता, अरे कुछ नहीं ये भाता जब रोकिए लग जाता क्या, अरे मैं हूँ प्रेम रोगी, ये तो सब जाओ जाओ और पंडित को बुलाओ, जाओ 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 और पंडित को बुलाओ, जाओ जाओ जाओ। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, लगता है ऐसे जैसे, लगता है ऐसे जैसे संतान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज क्योंकि हाँ सेना भी लगी हुई है। तदेव लग्नम सुदिनम, पहले वधु जो है वरमाला डालेंगे, पहले वधु वरमाला डालेंगे, वर तदेव लग्नम सुदिनम, तदेव तारा बलम चंद्र बलम, तदेव विद्या बलम देव बलम, तदेव लक्ष्मी पदे पढ़ने लगे बावरिया, कृष्ण रोमणी संग पढ़ने लगे बावरिया, रोमणी संग पढ़ने लगे
हमको रंग दे अपने रंग में, सुने रंग ने ये वाले मेरी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी तेरे प्यार का सौदा कर बैठे, तेरे प्यार का सौदा कर बैठे, तेरे प्यार का सौदा कर बैठे, पलकों में छुपा लूं श्याम तुझे, पलकों में छुपा लूं श्याम तुझे, तन मन धन सब कुर्बान किया, तन मन धन सब कुर्बान किया, जब पकड़ा तेरे दामन को, जब पकड़ा तेरे दामन को, दुनिया से किनारा कर बैठे, दुनिया से किनारा कर बैठे, बधाए जन्मों का बंधन, भक्ति से जोड़ा है रब ने ये प्रीत का दामन, सात फेरों से बधाए प्रेम का बंधन है, नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठे खामोश लेकिन कह रही को छुपाना लगता है, पिताजी सामने खड़े हुए, पिताजी के आंख में आंसू, बेटी कह रही है पिताजी से, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें न भूल पाएंगे, बेटी का मन पिता की ओर गया, क्योंकि पिता को कोई चीज प्यारी होती तो बेटी, पिता की आंख में आंसू, बेटी कहती है पिताजी मेरी तरफ देखो, आप कहां खो गए हो, जब पिताजी ने देखा तो क्या देखा, कुंडल में न टिकट कान, कुंडल में न टिकट बेंदी में बाल कृष्ण, हाथ मेहंदी में मुरारी है, बेटी संदेशा दे रही है पिताजी को, मेहंदी में बाल कृष्ण, हाथ मेहंदी में मुरारी है, कानों के कुंडल में लटकट त्रिहार में श्री बां के बिहारी है, पिताजी जरा देखो, देख पिताजी को झुंझुनी आ गई, और क्या देख क्या कहा बेटी ने, ओठों पे पिताजी ये दुआ रखना, आँखों पे पिताजी ये दुआ रखना, अपनी आंखों में प्रभु की सूरत रखना, ना जाने कब आ जाए घर का दरवाजा, खुला रखना खुला रखना। अब जब पिताजी ने देखा तो सूरत में बाके बिहारी, तो जिनके मन में बस गई नारायण की मुस्कान, फिर काहू और के आगे ना लागे ये ध्यान। आप तो पिताजी भी कहने लगे क्या, आ
लगता है गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे मोहन के घनश्याम दीवाना राधेगा दीवाना राधेगा जपता सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी नाचना करता राधा संग नाचता है गाना करे मन मानी राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी करता है राधा संग नाचता है गाना करे मन मानी पाल पाल तंग हुए ब्रजवासी तंग हुए पाल पाल तंग हुए ब्रजवासी तंग हुए मगन हुए घनश्याम दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला चाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के परेशान हुई गाना हुए बेकाबू सोच रही दुख मरी सोच मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू मैया जी हैरान हुई गया परेशान हुई गाना हुए बेकाबू सोच रही दुख मरी सोच मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू किसकी अतीत में खोया खोया श्याम मेरे किसकी अतीत में खोया खोया श्याम मेरे थोड़ा द्वारिका था दीवाना राधे का दीवाना राधे
उजरिया नचले रे, उजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधिका, दीवाना राधिका। मोड़ा मठा दही खाना छोड़ा सूट दूध सब सिलाई रे, वालों वाले टोली छोड़ी खाना ने टोली छोड़ी बरसाने वाले मन भाई रे, मोड़ा मठा दही खाना छोड़ा सूट दूध सब सिलाई रे, वालों वाले टोली छोड़ी खाना ने टोली छोड़ी बरसाने वाले मन भाई रे, जमुना के तट तट भूल काना नट तट भूल गए बजता दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। गोपियों को तंग कर मन में उमंग भर बड़े ही रंगीले गिरधारी रे, ओ राधा संग राज कर ग्वालों को उदास कर कानक लीला न्यारी रे, गोपियों को तंग कर मन में उमंग भर बड़े ही रंगीले गिरधारी रे, मथुरा में सोर मच नंद किशोर नाचे, मथुरा में सोर मच नंद किशोर नाचे, बनारी घनश्याम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मैया नाचले रे, मैया नाचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, जय नाथ का। अरे रे मेरी जान है राधा, ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जब भी बने सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, तेरे बिना याधा सुबह शाम रहूंगा, तेरे बिना याधा सुबह शाम रहूंगा। जानत सारी है, जानत सारी है, जान जान के
की रानी तू बरसाने वाली है। अरे मेरी जान है राधा, मान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। बोलो श्री युगल जोड़ी सरकार की जय, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चक्षु सूर्यो अजात श्रोत्रन्वायुष प्राण से मुखाजात। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मनवाणी चित्त को एकाग्र करके सुंदर भगवान के चरण कमल में मन को लगाते हुए आज रुक्मणी विवाह के पश्चात आइए भागवत भगवान के सुंदर आरती का गायन करेंगे। तन्मयता के साथ भावभोर होकर के तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए सुंदर सभी लोग स्वर मध्य आरती का गायन करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गंगा के पावन तट, श्रावण मास की इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर इस पावन पवित्र बेला में